तो दोस्तों आज हम आपके लिए एक बहुत ही खूबसूरत कुर्ती के फ्रंट में कुर्ती वाला ही नेक डिज़ाइन लेकर आए हैं। तो इस नेक डिज़ाइन को बनाने के लिए दोस्तों हमने यहाँ पर अपनी एक मैचिंग कलर की पट्टी ली हुई है जिसकी लंबाई 40 इंच और चौड़ाई 4 इंच ली हुई है। साथ ही दोस्तों हमने अपना डोरी वाला धागा भी लिया हुआ है जिसकी मदद से आज हम आपको एक बहुत ही खूबसूरत सा नेक डिज़ाइन बनाकर दिखाएंगे। तो नेक डिज़ाइन बनाने के लिए दोस्तों हमने अपनी कुर्ती के फ्रंट में पेपर फ्यूजिंग को 15 इंच की लंबाई पर चिपका लिया है और चौड़ाई अपनी कुर्ती के अकॉर्डिंग रखी हुई है। अब इसके बाद दोस्तों हम इस पर अपना नेक ड्रॉ करेंगे। तो नेक ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले अपनी कुर्ती को इस प्रकार से खोलेंगे और खोलने के बाद इसको सीधी तरफ इस तरीके से फोल्ड करके बीच सेंटर में क्रीज बना लेंगे। तो दोस्तों अब हम अपने नेक की लंबाई का और चौड़ाई का निशान लगाएंगे। तो दोस्तों हमारे नेक की जो चौड़ाई तैयार है वो तो है 6 इंच, लेकिन इसमें हमारा जो डिज़ाइन बनने वाला है वो आधा आधा इंच दोनों तरफ से कवर कर लेगा। तो इसके लिए हम अपने नेक की ब्रॉडनेस को बढ़ा देंगे, तो कर देंगे हम 7 इंच। तो 7 इंच का होता है आधा 3.5, तो यहाँ पर हम अपना 3.5 पर मार्क लगा देते हैं। और हमारे नेक की जो लंबाई है वो है 6.5, तो सीधा सीधा 6.5 पर हम मार्क लगा देते हैं। और अब हम यहाँ से अपनी एक शेप देंगे कुछ इस प्रकार से, देखिए ये हमने अपनी शेप दे दी है। इसके बाद दोस्तों नीचे की तरफ ऊपर से हम सीधा 14 इंच पर निशान लगा देंगे, ये देखिए, क्योंकि हमारा जो डिज़ाइन तैयार रहेगा वो 14 इंच तक लंबा रहेगा। ये हमने अपना एक निशान लगा दिया है और अब इसके बाद हम आपको बताते हैं इसमें कैसे करके डिज़ाइन बनेगा। चलिए मशीन पर। और अब दोस्तों डिज़ाइन बनाने के लिए सबसे पहले हमें अपने मैचिंग कपड़े का डिज़ाइन बनाकर तैयार करना होगा। तो इस डिज़ाइन को बनाने के लिए दोस्तों हमने अपनी मशीन में सिंगल बूट भी लगाया हुआ है। और अब हम लेंगे अपना वो वाला धागा जो कि हमने आपको बताया था। इस धागे को हम दोस्तों अपने कपड़े के बीच सेंटर में इस तरीके से रखेंगे और रखने के बाद में ये वाला जो कपड़ा है इस कपड़े को हम इसके ऊपर इस तरीके से फोल्ड कर देंगे। और फोल्ड करने के बाद में देखिए दोस्तों डोरी यहाँ पर हमारी आ चुकी है। इस डोरी के बराबर बराबर हम सिलाई लगाकर इसको कंप्लीट करेंगे अंदर। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमने अपनी डोरी को इस तरीके से फंसा दिया है। और फंसाने के बाद में दोस्तों हम फिर से इसके अंदर देखिए इस तरीके से इसको खोलेंगे और खोलने के बाद फिर से अपनी डोरी को इस तरीके से रखेंगे और रखने के बाद में फिर जैसे हमने ये सिलाई लगाई थी वैसी अपनी डोरी के बराबर में सिलाई लगाते रहेंगे। दोस्तों अगर आपको इसी तरीके की डिज़ाइन खूबसूरत खूबसूरत चाहिए तो हमारी वेबसाइट पर विजिट ज़रूर करें जिसका नाम है www.rooffashionpoint.com, जहाँ पर आपको बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत ब्लाउज़ के डिज़ाइंस, कुर्ती के डिज़ाइंस और आप अपनी फेवरेट एक्टर्स के आउटफिट्स के बारे में भी जान सकते हैं, मतलब कि उन्होंने कौन सी ड्रेस कौन से फंक्शन पर पहनी हुई है। अगर आप इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट रखते हैं तो हमारी वेबसाइट पर विजिट ज़रूर करें, वहाँ पर आपको सारे डिज़ाइंस हमारे एक साथ देखने को मिलेंगे और कुछ अलग तरह के डिज़ाइंस भी देखने को मिलेंगे। तो अब हम देखिए अपनी डोरी को बनाना शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों इसका जो लुक है वो कुछ इस प्रकार से आ रहा है। अब हम इसी तरीके से अपनी पूरी डोरी को फंसा देंगे। तो देखिए दोस्तों यहां पर हमने अपनी दो डोरियां जो है वो कुछ इस तरीके से फंसा दी हैं इसके अंदर। तो ऐसे ही सेम दो डोरियां और हम इसके बराबर में फंसा देंगे। तो पहले हम अपने कपड़े को इस प्रकार से खोलेंगे और खोलने के बाद में इसके अंदर डोरी इस प्रकार से मिलाकर रखेंगे और मिलाकर रखने के बाद कपड़े को फिर से फोल्ड करेंगे और फिर सिलाई लगाएंगे। और ऐसे ही दोस्तों हम अपनी दोनों डोरियां डालकर कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए दोस्तों यहां पर हमने अपना डोरी का डिजाइन कुछ इस तरीके से तैयार कर लिया है। और अब हम क्या करेंगे दोस्तों, इसके बराबर में 1/4 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए एक्स्ट्रा मार्जिन को कटिंग कर देंगे। मार्जिन काटने के बाद में दोस्तों इसे हम दो भाग में आधा आधा कर लेंगे। करने के बाद दोस्तों हम अपनी लेंगे कुर्ती। तो देखिए कुर्ती पे हमने जो ये अपनी मार्किंग की है इस मार्किंग को हम दूसरी तरफ भी छाप लेंगे। तो देखिए दोस्तों हमारी जो मार्किंग है वो दोनों तरफ आ गई है। इसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, आपको इनमें से एक पट्टी लेना है कोई सी भी।
तो इनमें से हमने अपनी एक पट्टी ले ली है और इस पट्टी को हम यहाँ से रखेंगे जो हमने नीचे अपना लंबाई में 14 इंच पर निशान लगाया था। इस पट्टी का जो मार्जिन है और कुर्ती का जो बीच सेंटर है, मार्जिन और सेंटर इस तरीके से टच कर दें, निशान से एक इंच पट्टी को नीचे की तरफ निकाल दें। अब हम इसमें जो सिलाई लगाएंगे वो अपनी मार्जिन को लेते हुए पाइपिंग के बराबर में लगाएंगे। और दोस्तों यहाँ आने के बाद में देखिए आपके नेक की जो सेफ है, इस सेफ पे अपने मार्जिन को रखते हुए, मतलब जो निशान है और मार्जिन के जो लास्ट है, ऐसे करके रखते हुए आपको सेम सिलाई लगा देनी है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमने अपनी जो एक पट्टी है वो इस तरीके से अटैच कर दी है और अब इसके बाद दोस्तों इसके बराबर में हम दूसरी पट्टी को अटैच करेंगे इसी सेम तरीके से। तो दोस्तों दूसरी वाली पट्टी अटैच करने के लिए आपको यहाँ पर अपने कुछ लूप्स भी लगाने होंगे, तो ये हमने अपनी डोरी में से लूप्स कट कर लिए हैं। इनको लगाने के लिए दोस्तों पहले तो आपको यहाँ कुछ मार्किंग करनी होगी। कैसे करेंगे आप, एक एक इंच पर यहाँ पर इस तरीके से मार्क लगा लेंगे। तो ये हमने अपने मार्क लगा लिए हैं और इन मार्कों को हम सेम अपनी इस वाली पट्टी पर उठा लेंगे। देखिए ऐसे करके पहले तो हम अपनी पट्टी को ऐसे फिक्स करेंगे यहाँ पर, और फिक्स करने के बाद में दोस्तों जो हमारे निशान हैं उन निशानों पर इस तरीके से हम हाथ मारेंगे जिससे कि ये हमारी पट्टी पर आ जाएं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमारी पट्टी पर हल्के हल्के निशान आ गए हैं, हम इन निशानों को थोड़ा डार्क कर लेते हैं। ये हमने अपने निशान लगा लिए हैं और अब हम इन निशानों पर इस तरीके से डोरी को मोड़ेंगे और मोड़ने के बाद में लूप्स बनाकर इस तरीके से रखेंगे। देखिए आगे की तरफ सिर्फ हम आधा इंच अपनी लूप्स को निकालेंगे और यहाँ पर इसे अटैच कर देंगे। इसी तरीके से 1, 2, 3, 4, 5 सारे लूप्स अटैच कर देंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमने अपने लूप्स भी अटैच कर दिए हैं और इनको इस तरीके से हम उल्टा करेंगे और उल्टा करने के बाद में जैसे हमने अपने निशान लगाए हैं इन निशानों पर लूप्स को फिट करेंगे। देखिए ये हमारे फिट आ गए हैं। अब जो देखिए दूसरी वाली पट्टी पर आपकी जो सिलाई लगी है, इस सिलाई के ठीक सामने ही आपको अपनी दूसरी वाली पट्टी में सिलाई लगानी है, ऐसा ना हो आगे पीछे हो जाए। यहाँ पर आपको बहुत ही ध्यान से दोस्तों सिलाई करनी है, ऐसा ना हो कि सेंटर आउट हो जाए। अगर सेंटर आउट हो गया तो समझ लो आपका डिज़ाइन यहीं से ख़राब हो जाएगा। अब दोस्तों आपको सेम निशान पर ही अपने मार्जिन को रखते हुए सिलाई लगानी है। सिलाई लगाने के बाद में ऊपर की तरफ जो आप देख रहे हैं ये एक्स्ट्रा पट्टी निकली हुई हैं, इनको कट कर देंगे। और कट करने के बाद में इसके बीच में आप जो देख रहे हैं एक्स्ट्रा मार्जिन है ये वाला, इसको अपने मार्जिन से मिलाते हुए हम कटिंग कर देंगे जो हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन पट्टी में है। तो दोस्तों ये तो हमने मार्जिन काट कर निकाल दिया, लेकिन इसके बीच का जो मार्जिन है इस मार्जिन को आपको बड़े ही ध्यान से काटना है, बिल्कुल बीच सेंटर में ही आपको इस तरीके से काटना है। देखिए अब बारी आती है देखिए दोस्तों नीचे की, तो नीचे कैसे काटेंगे मार्जिन को ध्यान से देखना। एक पट्टी को हम इस तरीके से हटाएंगे, देखिए सिर्फ एक पट्टी हटाने के बाद में कैंची को इस तरीके से यहीं से हम तिरछा चलाएंगे। तो तिरछा चलाने के बाद सिलाई तक लेकर जाएंगे, सिर्फ जो आपकी सिलाई है देखिए, ये देखिए सिर्फ सिलाई तक हमने इस तरीके से कट कर दिया है। अब इसके बाद इसे छोड़ देंगे और जो दूसरी वाली पट्टी है इसको इस तरीके से पकड़ लेंगे। तो देखिए यहाँ पर आपका काफ़ी सारा मार्जिन है, इस मार्जिन को इस तरीके से पकड़ने के बाद यहाँ से भी कैंची को तिरछा चलाएंगे और सिलाई तक लेकर जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर आपकी कुछ इस तरीके से नोक बनकर आ गई है। अब आपको क्या करना है, देखिए अब आपको अपनी दोनों पट्टियों के किनारी पर इंटरलॉक कर लेनी है और इंटरलॉक करने के बाद ही आपको अपनी पहली ये वाली पट्टी को जो इस साइड पर है इसको अंदर करना है इस तरीके से। देखिए इंटरलॉक करने के बाद में फिनिशिंग से इसके ऊपर प्रेस लगा लेनी है और फिर हम अपनी दूसरी वाली पट्टी को अंदर करेंगे। देखिए ऐसे दूसरी वाली पट्टी जो है आपके इस पट्टी के ऊपर आएगी।
ये देखिए, ये हमारा यहाँ पर कुछ इस तरीके से लुक आ गया है। और अब हम इसके बाद इस पर फिनिशिंग के साथ दोस्तों प्रेस लगा लेते हैं पहले। तो देखिए दोस्तों, प्रेस लगाने के बाद में हमारे नेक का जो लुक है वो बहुत ही खूबसूरत आ गया है। और इसके बाद दोस्तों, हमारे इसके नेक के अंदर जो ये कपड़ा गया हुआ है, इस कपड़े पर हम टाँकी बांधेंगे। कैसे बांधेंगे तो देखिए, इसे पहले हम उल्टा करेंगे और उल्टा करने के बाद में इसको इस तरीके से घुमाएंगे, और घुमाने के बाद में जो ये कपड़ा है आपका एक्स्ट्रा वाला, यहाँ पर आपको टाँकी बांध देनी होगी। देखिए कुछ इस प्रकार से। अब ये यहाँ से पक्का हो गया है दोस्तों, यहाँ से अब आपका कभी भी कपड़ा नहीं निकलेगा। इसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पर अच्छे से आपको जो भी बटन लगे वो बटन लगा लेते हैं। हम यहाँ पर अपने बटन लगा लेते हैं, और बटन लगाने के बाद में आपको पूरा कंप्लीट डिज़ाइन दिखाते हैं। तो देखिए दोस्तों, बटन लगाने के बाद में हमारे पूरे नेक का जो लुक है वो बहुत ही खूबसूरत आ गया है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको भी हमारा आज का ये नेक डिज़ाइन काफ़ी पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो हमारे इस नेक डिज़ाइन को और हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने उन दोस्तों में शेयर करें जो डिज़ाइन बनाने के शौकीन हैं। और दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, और घंटी के आइकन को क्लिक जरूर कर लें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। दोस्तों, अगर किसी कारण नोटिफिकेशन नहीं मिल पाती है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, क्योंकि अब से आप हमें हमारी वेबसाइट पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका नाम है www.rooffashionpoint.com, जहां पर आपको हमारे सारे डिज़ाइंस एक साथ देखने को मिलेंगे और कुछ अलग तरह के डिज़ाइंस भी देखने को मिलेंगे। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में कुछ खास लेकर आपके लिए। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। टाटा, बाय बाय।